बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ईद कुर्बान यानी कुर्बानी सेक्रीफाइस, अल्लाह तबारक व तआला की राह में अज़ीज़ तरीन शय को कुर्बान करना। और हकीकी कुर्बानी क्या है जनाब? उसकी रज़ा, उसकी खुशनुदी और उसकी चाहत को हासिल करना। आज हम जनाब हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनका काबिले रश्क घराना, सलाम हो हमारा जनाब सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा पर, उनके प्यारे फरजंद पर जो कि हमें इताद गुजार जनाब बेटे नज़र आते हैं, हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम और जनाब उनके वालिद गिरामी के, जिनकी ये प्यारी प्यारी सुन्नत है कुर्बानी। और जब बात होती है कुर्बानी के ताल्लुक से जनाब, तो हमारी समाजी ज़िंदगी का, सोशल लाइफ का ये बाबरकत त्यौहार है, तो खुशियाँ बांट रहे हैं और सबका मिल बैठना और आपके प्यारे चेहरों को यहाँ हम सबका जमा करना ARYQ TV की स्क्रीन पे, कि जिन्हें आप देखना चाहते हैं, कि जिनसे आप अपनी, क्योंकि ईद इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग। तो आज हम शेयर करेंगे अपने प्यारे मेहमानों की खुशियों को आपसे और जानेंगे कि वो अपना ईद का दिन कैसे गुजारते हैं, लेकिन इस्लामी हुदूद व क़ुयूद के साथ। जनाब इस्लाम में जो खुशी का तसव्वुर है आज उस पर भी बात होगी। सेलिब्रेशन इस्लाम मना नहीं करता और हमारा दीन बहुत प्यारी तरह से सेलिब्रेशन का हुक्म देता है, लेकिन वो क्या है आज हम वो भी जानेंगे। लेकिन बहुत सारे मेहमान यहाँ मुंतज़िर हैं और मैं उन्हें वन बाय वन बुलाऊँगी और हम उनसे मौनका करेंगे और हम उनसे, यानी जो मेरी प्यारी बहनें यहाँ मौजूद हैं, ईद की खुशी को शेयर करेंगे। तो जनाब आइए बुलाते हैं हमारे प्यारे मेहमानों को और ईद कुर्बान की खुशियाँ उनके साथ शेयर करते हैं। हमारी आज की पहली मेहमान, आपको हम सब जानते हैं, हम सब पसंद करते हैं और मेरी पहचान हो या दीगर प्रोग्राम्स हों, आप इनका बोलना पसंद करते हैं, आप इनका सुनना पसंद करते हैं और मैं इन्हें जब बोलते हुए देखती हूँ तो मुझे लगता है बड़ा शाइस्ता और शुस्ता सा आपका लहजा है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरमा इरम ज़िया साहिबा, सलाम अर्ज़ करते हैं और उन्हें वेलकम करते हैं। आ जाइए जनाब शान ईद में हमारी पहली मेहमान, इन्हें वेलकम करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा इरम ज़िया साहिबा, अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी? अल्लाह का शुक्र है, बैठिए। हमारी आज की जनाब जो दूसरी मेहमान हैं, माशाल्लाह, तो यहाँ की पहली मेहमान को बुलाते हैं और एक ऐसा नाम कि जब वो पढ़ती हैं तो मैं, अच्छा एक बात मुझे बड़ी मसरत के साथ आपको बताती हूँ, क्योंकि ईद में हम खुशी की बात ज़रूर करेंगे और ख़ुशी मनाना है, दीनदारी है, तो बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जो ये नहीं समझ पाते ये नौरीन फैज़ है या नौरीन फ़ाइज़ हैं, तो ये नौरीन फ़ाइज़ हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह बड़ी मुमताज़ सनाख्वा हैं और इंटरनेशनली इन्हें रिकग्नाइज़ किया जाता है और लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, मैं भी इन्हें बहुत पसंद करती हूँ। मोहतरमा नौरीन फ़ाइज़ को वेलकम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, शान ईद, ईद मुबारक, माशाल्लाह, मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत अच्छी लग रही है और ईद की बहुत बहुत मुबारक, जज़ाकअल्लाह। सीट पे बैठिए जनाब, एक और मेहमान, ये मेहमान ऐसी हैं कि सोबर हैं, संजीदा हैं और जब बात होती है गुफ्तगू की, लहजे की और जामे कलाम की और जब बात होती है शरीयत मुताहरा के बुनियादी मसाइल और फ़ज़ाइल समझाने की, दीन और ख़वातीन में हमारे साथ मुस्तकिल बुनियादों पे मौजूद होती हैं और नौजवान नस्ल को रिप्रेजेंट करती हैं, नुमाइंदा स्कॉलर हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं जनाब। हमारे साथ मौजूद हैं शान ईद में आज की तीसरी मेहमान सफ़ा फातिमा, जनाब दी स्कॉलर, अस्सलामु अलैकुम, इस्लामिक स्कॉलर, माशाल्लाह, ईद मुबारक, शान ईद की तीसरी मेहमान, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सफ़ा? अल्लाह का करम, बहुत बहुत ईद मुबारक, तीन दफ़ा ही गले मिलना चाहिए, यही सुन्नत है, बैठिए। माशाल्लाह हमारी आज की चौथी मेहमान और मैं उन्हें अपने लेफ़्ट साइड पे बिठाऊंगी और आप सब इन्हें बहुत पसंद करते हैं। ये एक ऐसा नाम है कि मैं इन्हें कहती हूँ मदीने की कोयल और ये इस बात की गवाही भी देंगी इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरती के साथ, शाइस्ता अगर मैं कहूँ अंदाज़े नातख्वानी आपका है तो है और जनाब इंटरनेशनली इनको भी रिकग्नाइज़ किया जाता है। ARYQ TV पे ये प्यारा सा नाम हम सब
सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं। और इनका जो अंदाज़े नातवानी है वो सबसे मुनफरिद और जुदा गाना है। और ये बहैसियत इंसान बहुत अच्छी खातून है, मैं इन्हें बहुत पसंद करती हूँ। हमारे साथ मोहतरमा अंबर अशरफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कर रहे हैं अंबर अशरफ को, सैयदा अंबर अशरफ। माशाल्लाह, कैसी हैं? आपको ईद मुबारक। शान ईद की हमारी मेहमान हैं और हम इनसे ईद की खुशियाँ शेयर करेंगे। अंबर, आप हमारी दावत पे आईं, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब, एक और मेहमान माशाल्लाह, AIYQ TV की स्क्रीन पे इन सितारों को, इन ताबिंदा सितारों को आप देखते हैं और रोज़ बरोज़ इनकी चमक बढ़ती जा रही है। और उसकी वजह यह है कि इनका जुदागाना अंदाज़ होता है और ये सब अपने आप में एक मुमताज़ और मुमैस जनाब नाम भी हैं और हैसियत भी रखते हैं। हम वेलकम कर रहे हैं जनाब, ये दो बहनें हमारे साथ होती हैं और जो बड़ी बहन हैं उनका नाम है सुमैरा यूसुफ़ और बहुत प्यारा पढ़ती हैं। सुमैरा और सहर दोनों को साथ बुलाते हैं, वेलकम करते हैं सुमैरा और सहर यूसुफ को। अस्सलाम वालेकुम, शाने ईद में वेलकम। कुछ कॉम्बिनेशन भी सेम रखा है, हैं रेड एंड ब्लैक का, बहुत अच्छी लग रही हैं दोनों। और आप दोनों को ईद मुबारक। खैर मुबारक, कैसी हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र है। आप बैठिए, यहाँ तशरीफ़ रखिए। एक और मेहमान माशाल्लाह, यहाँ दो शादियाँ हैं AIYQ TV पे और दोनों शादियाँ माशाल्लाह बड़े जोश के साथ और जज्बे के साथ पढ़ती हैं। आप सब मेरी तायद करेंगे, ये जो शादियाँ हैं ये मेमनी ज़बान में भी नाते पढ़ती हैं, गुजराती ज़बान में भी पढ़ती हैं एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये तुर्की ज़बान में भी कलाम पढ़ती हैं। और कुछ और भी बताएंगी, बिल्कुल जानेंगे। और इनकी खूबसूरत आवाज़ को हम सब पसंद करते हैं और पुरजोश आवाज़ को हम सब पसंद करते हैं और आज इनके साथ ईद की खुशी मना रहे हैं, इन्हें वेलकम करते हैं। और आज शान ईद में हमारी ये आखिरी मेहमान है सादिया इकबाल, पहले थी अब हैं सादिया आदिल। अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं जनाब, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है, वेलकम कर रहे हैं आपको, बैठिए अपनी सीट पर जी। जनाब, अच्छे लिबास, अच्छे पकवान, अच्छी सोच, अच्छी फिक्र और अच्छा सा चैनल जिसे आप सब देखते हैं AIYQ TV पे, हम भी अपनी सीट पे चलते हैं। और मैं सबसे पहले ये चाहती हूँ नाज़रीन के हम जब बात कर रहे हैं ईद के ताल्लुक से, ईद कुर्बान के ताल्लुक से, मैंने जैसे बात की पहले भी कि इस्लामी तशख़्ुस जो है, यानी हम जो अगर हम बात करें वेस्टर्न वर्ल्ड की, तो हमारा जो दीन है वो जिस खुशी का तसव्वुर देता है, यानी तफरी तो इस्लाम में जायज़ है लेकिन वो कुछ क़ुयूदात के साथ है, तो हम उन क़ुयूदात पे भी आज कलाम करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। और पहले मैं चाहती हूँ कि जो बैकग्राउंड है ईद कुर्बान का, यानी मैंने जिस काबिल रश घराने का ज़िक्र किया, सैयदना इब्राहीम अलैहि सलाम, हुज़ूर ने फरमाया था ना कि ये तुम्हारे बाप हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहि सलाम की सुन्नत है, जब साहबा पूछा करते थे हुज़ूर से कि ईद कुर्बान क्या है, तो आज हम आपके हवाले से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के ताल्लुक से, आज हम बात करेंगे हज़रत इस्माईल अलैहि सलाम के ताल्लुक से, तो आपके समत आएँगे और कुछ पस मंज़र की बात हो जाए कुर्बान की। आलिमा सफ़ा फ़ातिमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आलम इस्लाम को, स्पेशली जो यहाँ सेट पर मौजूद हैं, उन सबको ईद की मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इन खुशियों को सलामत रखे और इनको सही तौर पर शरीयत के दायरे में मनाने की तौफीक भी अता फरमाए। हमारे वो बहन भाई जो जलजले की वजह से मुतासर हुए या जहाँ कहीं मुसीबत का शिकार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर भी इस दिन की बरकत से खुसूसी करम फरमाए। जहाँ तक बैकग्राउंड की बात है तो ज़ाहिर है कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हनीफ़ का लक़ब भी अता फरमाया और इसी तरह इमामुन नास भी आपको कहा गया, और सबसे बढ़कर यह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खलीलुल्लाह कहकर आपको पुकारा। वजह क्या है कि आपने अपनी दोस्ती का हक़ सही तौर पर अदा फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वैसे तो खैर नबी हैं और नबी से बढ़कर कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ुर्बत हासिल नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह आपकी जो खुसूसियात बयान की जाती हैं उनमें बेसिक जैसा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी को पेश करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हुक्म फरमा रहा है और आप अपने प्यारे बेटे को लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में क़ुरबान करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ एक बहुत प्यारी बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगी कि वालिद साहब अपने बेटे से ये कहते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है जी, उस मकाम पर हम देखते हैं कि बेटा किसी किस्म की घबराहट का शिकार नहीं है,
बल्कि सिर्फ ये सुनना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, बस ये सुनना ही काफ़ी है। और फरमाया कि जैसा रब का हुक्म है वैसा कीजिए, और बेशक यही जो रब ताला ने हुक्म बयान फरमाया है यही हम सब के हक़ में बेहतर है, और इसकी तामील हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हम ये देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम का ये जो हमें एक सबूत मिल रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पर राज़ी रहने का, तो अपनी तमाम खुशियों को हमें इसी तरह मनाना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फरजंदी, ये तो तरबियत है ना, माओं की तरबियत के हवाले से क्या फरमाई? बिल्कुल, वालिदा की तरबियत भी है, वालिद साहब की भी तरबियत है, और हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस मकाम पर छोड़ कर जा रहे हैं, कोई ज़ाहरी असबाब ज़िंदगी नहीं है, लेकिन आप रज़ा में राज़ी हैं कि अल्लाह का हुक्म है, बस ठीक है हम इसकी तामील करेंगे। यही असर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरबियत का और सोहबत का, और हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सोहबत का, कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के आगे सर्वसुजूद हैं और रब ताला के हुक्म की तामील के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं। एक छोटा सा मैसेज और फिर एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ है नाज़रीन के लिए, माओं की तरबियत। और इरम ज़िया साहिबा, मैं आपसे ये मैसेज लेना चाहूँगी कि माओं को अपने बच्चों को देना सिखाना, क्योंकि ईद कुर्बा इज़ ऑल अबाउट सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस करना सिखाना, अपनी महबूब तरीन शय देना सिखाना। बच्चे पहले से अगर ये सोच या ये कॉन्सेप्ट उनके दिमागों में अगर डेवलप हो जाए कि अच्छी चीज़ रख लेनी है और जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो गिफ्ट देनी है, तो माओं का क्या रोल होना चाहिए बच्चों की तरबियत में, सेक्रीफाइस के हवाले से पूछना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो निदा, आप सबको और तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह करे ये ईद अहले पाकिस्तान और अहले आलम इस्लाम के लिए बेशुमार खुशियों का बायस बने। और अब देखो, माँ की बात की है तो माओं के ऊपर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी जिम्मेदारियाँ डाली हैं, और मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि माँ की गोद में जब औलाद आती है तो दर हकीकत सारी कायनात उसकी गोद में आ जाती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे इतने राज़ी होते हैं कि उसको वो दर्जा अता फरमाते हैं कि अब इस दुनिया को तुम बनाओ, अब इस दुनिया को तुम सजाओ, इसको तुम संवारो। तो देखो, बच्चा जो है ना वो वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझता है, और बहुत सारी चीज़ें जो अपने पेरेंट्स को करता देखता है वो सुनता बहुत गौर से है। आपको बज़ाहिर लगेगा कि बच्चा खेल में मसरूफ़ है, मगर उसके कान अपने माँ बाप की सिमत होते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अक्सर आपको कतई ख्याल नहीं होता, तो बच्चे के सामने गुफ्तगू करते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखें। और देखो, छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं, मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है, मैं अपने बच्चों के साथ ये करती हूँ, चाहे उनकी ईदी हो, चाहे उनको उनके पास होने पर कोई पैसे मिलें, किसी भी तरह के कोई हो, हमने कोशिश की है उनके अंदर ये चीज़ डालने की कि आपने इसमें से कम 2.5% जो है वो अल्लाह के नाम पे देना है और खुशी खुशी देना है। ठीक है, तो एक तो वो इवन जो मेरे सबसे छोटे वाले हैं उसको भी माशाल्लाह ये आदत हो गई है कि वो अब ये पूछता है कि मुझे कितने पैसे इसमें से देने हैं, और उसको बाकायदा ये ख्याल रहता है कि मम्मा ये हो गए या ये नहीं हुए हैं। तो देखो, बच्चे को देना हमने बचपन से सिखाना है जी, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, बेशक। और अगर आप बच्चे को देना सिखाएंगे तो वो हमेशा अच्छी चीज़ देगा, क्योंकि आप उससे बचपन से अच्छी चीज़ देना सिखा रहे हैं। पैसे से इंसान बड़ी मोहब्बत करता है, तो बच्चे को बचपन से अगर अपने पैसे में किसी को शेयर करने की आदत हो गई ना, तो फिर वो हर अच्छी चीज़ में बच्चे को शेयर करेगा। जनाब, इस मौके पर एक ब्रेक ले रहे हैं, बच्चे को देना सिखाना है, हमारे साथ रहिए। और ब्रेक के बाद, जैसे मैंने कहा, एक सरप्राइज़ है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है या कर रही है। चलें एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। सलाम अलैकुम जी जनाब, वेलकम कर रहे हैं आपको शान ईद में, और हमारे साथ आपके पसंदीदा मेहमान मौजूद हैं, ARYQTV की फ़ीमेल सेलिब्रिटीज़ जिन्हें आप ARYQTV की स्क्रीन पे देखना चाहते हैं और पसंद करते हैं। ईद क्या है जनाब? अपने प्यारों को खुशी देना, अपने प्यारों के कुलूब में खुशी को दाखिल करना, अल्लाह के कुर्ब को हासिल करना और प्यारों को खुश देख के खुश हो जाना, ये मुसर्रतों का तबादला है, ये शादमानियों का सिलसिला है। तो एक प्यारा प्यारा चेहरा जो मैं भी बहुत पसंद करती हूँ, और ARYQTV की स्क्रीन पे सबसे ज़्यादा जिन्हें प्यार किया जाता है ना ख़वातीन की जानिब से, वो यही चेहरा है। और ये प्यारा सा चेहरा आज हमारे साथ मौजूद है। जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगी, हूरिया फ़हीम कादरी को भी अपनी खुशी में शामिल कर रहे हैं, आ जाइए, वेलकम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, ईद मुबारक सबको, बहुत बहुत ज़्यादा
बहुत मुबारक, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं साहब। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। बस कोई बात नहीं, ब्लैक भी डिसेंट लगता है, है ना भाई? हाँ भाई, ये न्यू लुक है हुरिया का। देखिए नाजिन, आज मैंने हुरिया की सहेलियाँ चुरा ली हैं, माशाल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं सब। और आप बैठे, मेरी जगह पे बैठेंगी आप। कैसी सफा, माशाल्लाह, कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह माशाल्लाह। हुरिया फहीम कादरी, आप यहाँ बैठे और हम थोड़ी देर के लिए मेहमान बन जाते हैं। हाँ, और आप मेज़बान बन जाइए। और देखिए, ये सेगमेंट नाजिन हम हुरिया के साथ गुजार रहे हैं। और हुरिया क्या कहना चाहोगी? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि एक तो सब देखने वालों को बहुत बहुत ये जिलहज के बाद, हज के बाद ये ईद मुबारक हो। बहुत ज़्यादा जो लोग हज करके आए उनके लिए भी बहुत मुबारकबाद, वहाँ पे हज के जगह पर मौजूद हैं, हमें दुआओं में याद रखें, हम सबको दुआओं में याद रखें। और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हमें ये मौका मिला हुआ है कि हम यहाँ बैठ कर आपके साथ ईद शेयर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने चोरी पकड़ी। चोरी पकड़ ली? किसको चोरी? ये दोनों यहाँ पकड़ी गई। ओहो, तो आप पकड़ने आई थी? नहीं, मुझे क्या पता हमने था? आपको बुलाया भाई, हमने मुझे क्या पता था? हमने कहा चलो, हमने बुलाया किसी और वजह से ना। सरप्राइज कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह इनको भी अच्छा लगा होगा। और हुरिया ये बताइए कि आपकी ईद कैसी गुजरी? गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कामों में। और उसके अलावा रात से ही सारी तैयारियां हो रही होती हैं और तीन चार दिन से ही सब शुरू हो जाते हैं। सही, बस ये कि अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी माशाल्लाह। और ये जानवरों के हवाले से जरा बताइए कि कौन सा मखसूस जानवर है जो कि आपके आता है हुई? देखिए, मखसूस जानवर पहले तो बकरा आया करते थे, दो से तीन बकरे होते थे, लेकिन अब वो ज़ाहिर हिस्से बढ़ गए हैं माशाल्लाह। तो माशाल्लाह अब गाय आती है, गाय होती है। मेरे हमारे बच्चों को तो शौक भी बहुत है, वो कोविड की वजह से सिलसिला मुनक़ता हुआ था तो अब दोबारा शुरू हुआ है, तो वो ज़ाहिर है बड़े भी हो गए तो उनको बहुत मज़ा आता है। तो बच्चे जाते हैं अब्बा के साथ मंडी जानवरों के? नहीं नहीं, मंडी नहीं जाते। अच्छा, लेकिन ये है कि जब वो आ जाता है तो फिर वो उनके साथ साथ ही होते हैं जानवरों के। और हमारी आयशा कैसी हैं? आयशा बहुत प्यारे रखे हैं अपने दोनों बच्चों। आप सबकी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जी जनाब, हुरिया कैसा लग रहा है? आपने मुझे खड़ा कर दिया, अच्छा लग रहा है यार? बस मुझे तो खुद बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अचानक से मैं आ गई। मैं तो चाह रही थी कि आप यहाँ बैठी रहे और मैं खुद टहल वहल के यहाँ से निकल जाऊँ। बहुत अच्छा किया कि जब हम आपको देखें और हम आपको बुलाए, नहीं ऐसे कैसे रौनक भी लग गई। और ना इतनी मसरूफियत से, जैसे सबको पता है कि ईद के बड़े डेज है, कैसे मसरूफ होते हैं किचन में। तुम ये बताओ, तुम क्या बना के जल्दी से छुटकारा पा के आई हो? छुटकारा पा ही नहीं सकती थी ना, तो बनाना तो क्या बनाया? बनाया था दम का कीमा, बहुत पसंद किया जाता है मेरे हाथ का, तो वो बना कर आई थी। जबरदस्त, चले ये भी जल्दी झटपट बन जाता है ना, ज्यादा त्राव नहीं, जल्दी बन जाता है, मैरिनेट करके रखना पड़ता है पहले से। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैरत से खुद को कभी मैं हरम को, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, को मेरे मुसफा ने,
तुझको खुदा ने चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने संगे अस्वद तेरा मुकद्दर संगे अस्वद तेरा मुकद्दर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शो जज़ाकअल्लाह बिठाया ये बड़ी बात और आपके शुक्र गुजार हैं और अच्छा नाज़िम देखिए हम लोग साथ खड़े में बहने लगते हैं क्या मुझे बहुत लोग कहते हैं कि ये आपकी बहन है तो आप लो ब्रेक मेरी जगह और हम आप जाना दिल नहीं चाह रहा लेकिन क्या करें पिया मानल्ला कह रहे हैं इनको और ब्रेक ले लेंगे चलें तो जी नाज़रीन प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा है वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं ये सब मेरे अलावा इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुलशन को कर रही है बल्कि इस औताक को ड्राइंग रूम को कर रही है मुअत्तर फ़ज़ाए ईद हवाए ईद और जनाब ईद है ही बहुत ही प्यारा सा एक यानी प्लेजेंट फीलिंग है और खुशियाँ जब बाँटी जाती हैं ना तो वो बढ़ जाती हैं और जब नेमत पे खुश हुआ जाता है तो फिर शुक्र का तसव्वुर जन्म लेता है और हर सांस मकाम शुक्र है बेसिकली तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है और ये जो शुक्र है ये नेमत को बढ़ाता चला जाता है ला इन शकर तुम ला आजीदन्नकुम तो शुक्र करते रहें और शिकवा मत कीजिए ख्वातीन करती हैं अल्लाह को राज़ी रखने की हम वक्त कोशिश कीजिए बहुत प्यारे मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं ये दो बहनें हैं और इनसे जनाब कुछ ईद की चिट चैट करते हैं इनकी सब चलते हैं सुमैरा और सहार यूसुफ़ आपको ईद मुबारक कह रहे हैं और ये बताइए कि आप दोनों कैसी हैं खैर मुबारक हमारी जानिब से भी तमाम देखने वालों को ईद मुबारक और ईद सुमैरा ये बताइए कि ईद पे क्या ख़ास एहतमाम होता है सुमैरा की जानिब से स्पेशली ईद कुर्बान पे और सहार भी कुछ बनाती है मैंने सुमैरा का तो सुना है मैंने काफ़ी बात हुई है सुमैरा से इस ताल्लुक से सहार भी कुछ बनाती हैं ईद कुर्बान पे ईद उल अज़हा एहतमाम तो आपको पता है माशाल्लाह से कि लेडीज़ के जो होते हैं काम वो तो चांद रात से ही स्टार्ट हो जाते हैं बाकी ये है कि ईद के दिन बिल्कुल मैं बनाती हूँ क्यों नहीं बनाती लेकिन मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट तो बज्जू ही है बज्जू एक्सपर्ट है ये तो हमें पता है आपने लेकिन अब ये है कि मैं कुकिंग करती हूँ बिल्कुल करती हूँ लेकिन माशाल्लाह से मामा मेरी साथ कुकिंग तो आप करती हैं सबको पसंद भी आती है ये भी बताइए बिल्कुल पसंद अच्छी करती हैं बज्जू अच्छी कुकिंग करती है नहीं नहीं अब करने लगी हैं और अल्लाह का शुक्र है अच्छा ही बनता है ख़राब होने के बजाय पहले हो जाता था ख़राब नहीं पहले इतने इंटरेस्ट से करती नहीं थी अब इंटरेस्ट लेना शुरू जी जी बिल्कुल और माशाल्लाह साहबजादी भी हैं तो उनका उनके हवाले से बताइए कि आप बड़ी हो रही हैं तो कोई ख़ास चीज़ जो वो खाना पसंद करती हैं बस वो मेरी बेटी की तो ज़रा बहुत ही लाड में रहती हैं तो खाने की जो होती है उनकी सेलेक्शन बहुत अलग होती है गोश्त अच्छा। चीज़ें भी बहुत कम खाती हैं वो बस आजकल आपको बच्चों को पता है कि जिंगर और पिज़्ज़ा इस तरह की चीज़ें बस ये चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन अब रेगुलर रूटीन में तो इंसान ये नहीं खिला सकता कोशिश मेरी ये होती है कि सब चीज़ें खिलाई जाएं क्योंकि रिस्क है जाहिर सी बात है और फिर बच्चों को आदत भी नहीं पड़ती तो कोशिश यही होती है लेकिन बस ये कि वो डांट सुन सुन कर खा लेती हैं अच्छा सहार ये बताइए कि ये मैंने जैसे कहा भी कि अच्छे मेहमान हैं तो अच्छे पकवान हैं इस ईद पे पकवान का भी जिक्र होता है ना तो क्या ख़ास चीज़ है जो आप बनाती हैं जो आपसे फरमाइश की जाती है क्योंकि आप बनाना आपने शुरू कर दिया ये तो बड़ा खुश आइन है हमारे लिए बहुत स्लिम भी नहीं, खाना नहीं है ऐसे नहीं है मेहनत बहुत करी है तो बनाना भी है और खाना भी है अच्छा। खिलाना भी और खाना भी है ना भाई नौरी यही मैसेज ऐसा ही है मतलब वैसे तो रेगुलर रूटीन में बनाती है लेकिन चाइनीज टाइप का जो है वो ज्यादा पसंद किया जाता है मेरे हाथ का जो चाइनीज होता है वो ज्यादा पसंद किया जाता है स्पेगेटी मैक्रोनी वगैरह ये सब चीजें बहुत ज्यादा पसंद की जाती है चाइनीज रोल बहुत पसंद किए जाते हैं तो ये सब कुछ ज्यादा बनाती हूँ मैं बनाती है ना वो बहुत बहुत पॉपुलर है अच्छी बनाती है भाई बता जवाब दो नौरीन की बात का किसका बनाती हैं आप सैंडविच किसका बनाती हैं ब्रेड के बनते हैं अंदर कबाब होता है शामी कबाब होता है ऐसा भाई बीफ और चिकन बीफ और चिकन के बनाती है वो भाई अच्छी बच्ची है अच्छी बच्ची आएंगे चलो सैंडविच की रेसिपी शेयर करो शामी कबाब जैसे रेसिपी शामी कबाब की होती है शामी कबाब चढ़ाए जाते हैं साबुत गरम मसाला प्याज
और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के साबुत मिर्चें डाल के चढ़ा दिया जाता है, नमक हल्दी ये सब कुछ चढ़ा दिया जाता है, वो शामी कबाब रेडी हो जाते हैं। तो फिर वो पीस पास के मतलब पास हो गया, आता है भाई तुम आता है आता है, देखो रेसिपी सही बता रही हूं मैं, पूरी सुननी पड़ेगी को आता है, मैंने सोचा देखते हैं आपको और आपको की पूरी एक रेसिपी बतानी पड़ेगी। सही है, मैंने वो किया था सैंडविच में, क्या क्या सैंडविच बनाती हूं कबाब के अलावा, सैंडविच में मायोनीज मैं अपनी खुद बनाती हूं, ठीक है मायोनीज बनाती हूं जी, मायोनीज बन गोभी जो शुगर है ऐसी बात मैं कह रही हूं ना, उस कैबेज ब्लैक पेपर और थोड़ी सी शुगर थोड़ा सॉल्ट ये सब डाल के और उसको मैश करके मायोनीज वगैरह डाल के मैश करके वो स्पेशल होती है, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, और खीरा और टोमेटो ये सब कुछ डाल के उससे ज़्यादा जो वो सॉस होती है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। शामी कबाब तो कॉमन ही होता है, वो तो ज़्यादा सभी और क्या है और वो ग्रीन चटनी, मैं ग्रीन चटनी जो होती है ना वो ग्रीन चटनी अलग से लगाती हूँ, ग्रीन भी लगाती हूँ, रेड चिली जो होती है ना वो भी लगाती हूँ, टोमेटो सॉस अच्छा देखिए मैंने कहा हेल्दी होता है लेकिन पकवान का जिक्र हो रहा है तो आपके लिए आप सबके लिए क्योंकि ये दावत ताम भी है तो हमने एहतमाम किया हुआ है, आप लोगों की भरपूर दावत है माशाल्लाह आज, तो हम उस तरफ ले जाएंगे आप लोग, इतना चटनी तो शाम कबाब सबका जिक्र हो गया तो है ना वो जरा टेम्पटिंग है ये सब नाम भी। मैं सादिया इकबाल मुझे ऐसे ऐसे देख रही है कि पहले इकबाल कह दिया आप मुझे आदिल कह दिया और आप मेरी तरफ आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी मेरे लिए। मैं कुछ भी नहीं सोच रही। सादिया कैसी हो बताओ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और जितने देखने वाले हैं सबको ईद मुबारक। ऐसा कुछ नहीं सोच रही जैसा आप सोच रही, मेरे लिए पॉजिटिव सोचा करें भाई, नेगेटिव नहीं रखें। नेगेटिव नहीं सोच रही, सोच रही आप मेरी मुझसे बात करें। जी ऐसा ही है। और सादिया का मुझे पता था मेरा नंबर आएगा। आएगा मेरा नंबर भी आएगा। सादिया की ईद कैसी गुजरती है बताओ? बस अब अमीर हमजा है हमारे पास तो उनके साथ गुजर जाती है और फिर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर अब एक दिन ससुराल तो फिर एक दिन जो है मैका अम्मी के घर तो फिर सब जगह जाके फिर सबसे ज्यादा कहा मतलब फिर एक दिन यहाँ बारबेक्यू करने में। तुमने ससुराल की बात की भी तुमने आह करके क्यों किया ये, इसके तुम जरा डिटेल बताओगी? मैंने ऐसे कुछ नहीं किया अच्छा मुझे लगा क्या कर रही है। पक्की बात है पक्की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल मुझसे बड़े खुश हैं। ओके गुड गुड। आज तक उनको मेरे से ये शिकायत नहीं है खाने अच्छी नहीं बनाती। मैं जो वैसे जब शादी हुई थी बच्ची जब शादी हुई थी मुझे खाने बनाने नहीं आते थे लेकिन शादी के बाद मैंने सारा खाने वगैरह सब कुछ सीखे और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना ससुराल में बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है कि सादिया बिरयानी अच्छा बनाती है, बिरयानी अच्छा सादिया मछली का पुलाव अच्छा बनाती है। मछली का पुलाव जी यार यहाँ पर भी तुम्हें दी जाएगी अगर तुम ये ले आओ तो। प्रॉन्स प्रॉन्स बिरयानी भी बड़ी अच्छी बनाती हूँ और शामी कबाब है और अल्हम्दुलिल्लाह क्या नाम है अल्लाह भूल गए मैं नाम, सीख कबाब है अच्छा उसका मसाला बड़ा मैं अच्छा सा चट बताओ सीख कबाब का मसाला बताओ। वैसे मैं रेडीमेड मसाले यूज करती हूँ लेकिन अच्छा घर के मसाले उसमें थोड़े से ऐड करती हूँ अच्छा फिर वो जरा वो अच्छा हो जाता है टेस्ट बढ़ जाता है फिर उसमें दही है फिर उसके साथ जो है तेल है। फिश पुलाव बताओ भाई बनाना। फिश पुलाव तो बहुत जबरदस्त बनाती हूँ वो घर के मसाले से बनाती हूँ हरी मिर्च के साथ ठीक है हरी मिर्च का मसाला बना के फिर इसके साथ पहले तो प्याज ब्राउन करते हैं फिर इसके अंदर मैं एक मसाला खास पीस कर कूट कर बना। अब वो खास क्या है? वो खास ये है कि जीरा है और इलायची वाइट इलायची और अदरक अदरक नहीं सॉरी लहसुन लहसुन मैं याद कर लूँ पहले अच्छा लहसुन है जीरा है और वाइट इलायची इसको और हरी मिर्च को साथ में पीस के ये मसाला तैयार हो जाता है ठीक है और पहले प्याज ब्राउन कर ली फिर टमाटर मसाला भून लिया फिर इसके साथ ये मसाले डाल दिए। फिश को क्या किया? फिर फिश को कुछ नहीं करना है फिश मासूम है ना बेचारी फिश मासूम घर से डाल देगी तो गल जाएगी साफ सुथरी करके हां मसाला पहले तैयार करेंगे फिर आखिर में फिश डालते हैं 10 मिनट में फिश हां फौरन से गल जाएगी ना मछली तो बेचारी उसको तो इतना गलाने की एक भाप पे जाती है वो तो सही और फिर जो है मसाले उसकी स्मेल के लिए क्या लगाती हूं उस पे ये तो बताओ मछली जो है ना हाँ पहले से कुछ लेमन लगता है स्मेल आएगी कोई जी जी दूर से ही पुलाव की स्मेल माशाल्लाह खाती रहते हैं पता नहीं ना चावल जो उसके ना हम लोग उसमें जो है कलर अजवाइन भी डाले तो हाँ मछली पे अजवाइन लगती है
नहीं कैसा होता होगा ये टेस्ट? बड़ा जबरदस्त होता है इंशाल्लाह, कभी मौका लगा तो। मजे से बता रही है, बड़ा इसलिए मेरे का बड़ा अच्छा होता है, पानी आ रहा है क्योंकि मैं वो अच्छा बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये तो वैसे सारा अच्छा बनाती हूँ लेकिन वो ज्यादा पसंद किया जाता है मेरे हाथ से माशाल्लाह। जिसने बिरयानी बहुत अच्छी बना रही है वो सब बना लेता है, बिल्कुल सही कह रही है। सफा क्या अच्छा बनाती है यार, सफा को भी पकड़ूंगी मैं, छोड़ूंगी थोड़ी। मेरे ससुराल वालों को सबसे ज्यादा जो है ना गीली बिरयानी पसंद। वो कह रही है पहले मुझसे तो पूछ ले मेरी बात ही, थोड़ी सी गीली बिरयानी है और गीला पसंद, वो गीला सा होता है, जूसी होती है। हाँ जूसी बिरयानी, बड़ी जबरदस्त बिरयानी, वो बस खाते रहो। मेरे ससुर को खासतौर मेरे हाथ वो बहुत टेस्टी होती है, बहुत वो रवाज से। चलो भाई सादिया के 100 नंबर, सादिया भी सुगड़ बच्ची। अच्छा मेरा मसला ये भी है कि वो जो मसाले है ना घर के, वो घर में ही पीसते हैं। हाँ। जैसे कि गरम मसाला साबित मसाला, हाँ। जी जी जी, उसको हम घर में ही हल्का सा भून के फिर उसको ग्राइंड करते हैं। हाँ, फिर उसका हाँ। जो टेस्ट आता है ना खानों में वो जरा थोड़ा सा जायफल जावित्री थोड़ा, बाकी कमाल कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मसाले जब खिलाओगी ना तो हमें यकीन आएगा कि कितनी अच्छी। हाँ वो भी मसाला होता है, फ्रेश पीसना चाहिए, फ्रेश पीसना चाहिए और उसकी जो खुशबू होती है ना खाने में वो असल अदरक लहसुन की होती है, बल्कि ज्यादा पीस के रखना भी नहीं चाहिए। निदा साथ में ये है कि हरी मिर्च का जो भी सालन बनता है ना वो माशाल्लाह वैसे टेस्टी होता है, सही कह रही है, अलग होता है। सारी आपने सारी क्वालिटीज बता रही है तो अब मैं भूख लगना शुरू हुई, भूख लगना शुरू हो गई। अच्छा सफा क्या आप शौक से बनाती हैं और सफा की ईद कैसी गुजरती है बताओ? मैं सब कुछ बना लेती हूँ और लास्ट टाइम मैंने मंदी बनाई थी, इस दफा भी इरादा है। मंदी बनाई थी, वही जबरदस्त, सबको पसंद आई थी। अच्छा चिकन की किसकी मंदी थी? बकरा ईद पर तो जाहिर है कि जो गोश्त वगैरह किसी की मंदी नहीं थी लेकिन अच्छी बनी थी, सही। बल्कि उसके साथ जो सालन था वो किसी ने भी उसको ट्राई भी नहीं किया था, सबने वही अच्छी बनी थी। वेरी गुड, मर्तबा भी इंशाल्लाह पूरा इरादा है कि जब सब आएंगे बहन और हमें जब बुलाएंगे तो क्या खिलाएंगी? जो आप कहेंगी, मुझे सब कुछ बनाना आता है अल्लाह माशाल्लाह। ये जो बता रही है ना बकरे की मंदी, इसी तरह लास्ट हमारे यहाँ बकरे की कुर्बानी थी तो मेरे हस्बैंड ने जो है ना बकरे की जो पूरी रान होती है ना लास्ट, हाँ। वो पूरी इतनी सारी बड़ी, वो तो अक्सर लोग जो है तंदूर में जाके जी 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 जी, मैंने उसको घर में बनाई थी और वो जूसी नमकीन बनाई थी, नमकीन रोस्ट, और इतना जबरदस्त बना था माशाल्लाह। उसको असल जो फिर कुछ और को गलाना, जी जी आप मैरिनेट सही गलाना जो है ना असल चीज पहले से मैरिनेट करके, हाँ ऐसे ही होता है। वो जो बाहर जो मसाले नहीं लगाए थे लिखा हुआ होता है ना चटपटी रान, हमने चटपटी है ना तो वो ऐसा, हाँ नहीं हम लोग पहले जबरदस्त वगैरह चटपटा शौक से खाते नहीं थे, हमने कहा इतना वेट भी करना पड़ता है, दो दिन पहले वो ले लेते हैं तो फिर मैंने कहा मैं खुद क्यों ना ट्राई करूँ, तो फिर हमने वो दो साल से हम अब खुद ट्राई करते हैं, वो सारे मसाले उसको लगा के मैरिनेट कर देते हैं एक दिन पहले। अच्छा फिर नेक्स्ट डे पे जब दावत होती है तो फिर वो हम खुद ही बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बनती है बाहर से, तो घर में ज्यादा घर में बहुत अच्छा, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। हाँ, अगर जिसे बस ज्यादा मसाले नहीं खाने हो और हाँ, वो जो बिल्कुल मरीज भी है ना वो मंदी नहीं सॉरी नमकीन रोस्ट जो है मरीज को गोश्त बना होगा खा लेगा, मसाले जबरदस्त बनता है, बकरे का नहीं होता, बकरे नहीं नहीं बकरे का। अच्छा इरम ज़िया साहिबा मेहमान नवाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैं इन सब की ये तमाम बातें सुन रही हूँ तो मुझे बहुत महसूस हो रही थी, मैं देख रही थी कि कौन क्या अच्छा बनाता है क्या अच्छा बनाता है। असल में अल्लाह मैंने ख्वातीन को बड़ा कितने मल्टी टास्क के साथ पैदा किया है तो वो बनाती भी बड़ा अच्छा है, पकाती भी बड़ा अच्छा है। अभी बड़ा जूम आया ना जुमला है कि बनाती भी अच्छा है पकाती भी अच्छा ऐसा है, बिल्कुल है। और अब जैसे मैं खुद ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दावतों का एहतमाम होता है और खुशी होती है कि जब आप कोई नई रेसिपी ट्राई करते हैं और हर जो पकाने वाला है वो अपनी डिशेस में बहुत आसानी के साथ वेरिएशन करके उसे कोई ना कोई शक्ल दे देता है, क्योंकि देखो खाने तो अजल से चले आ रहे हैं वही हैं, अब चाहे मंदी हो बिरयानी हो पुलाव हो कुछ हो, आप उसमें कोई जिद्दत अगर ले आते हैं ना और उसको कोई भी एक्स वाई जी का नाम दे देते हैं तो फिर वो डिश आपके नाम से मंसूब हो जाती है कि भाई ये बहुत अच्छी बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए, थोड़ा सा चेंज अगर अच्छा हो तो वो बहुत अच्छा होता है, लोग इसे बड़ा वेलकम करते हैं, थोड़ा सा रिस्क भी होता है लेकिन मेरे ख्याल से ट्राई जरूर। अच्छा थोड़ा सा भाई साहब के हवाले से बताइए, उनको आपके हाथ का क्या खाना पसंद है? उनको मेरे हाथ का बहुत मैंने सुना है ये सही है या नहीं, वो शायद पुलिस में है कमिश्नर है क्या है, मुझे बताइए उनका सही। नहीं उस वो मेरा भाई है और भाई मेरे है। जो हस्बैंड है ही इज आल्सो ऑन अ वेरी सेंसिटिव पोस्ट। अच्छा तो वो इदारे का नाम आई डोंट नो ओके ओके ठीक लेकिन माशाल्लाह ये है कि
खाना उन्हें अच्छा पसंद है चाहे चटनी रोटी क्यों ना हो, मजा होना चाहिए. और अगर बेमजा उनके आगे बिरयानी या कुछ भी रख दो तो ही विल नॉट बी हैप्पी. लेकिन उनकी जो सबसे अच्छी बात है ना, जो वाकई आज मैं सबके साथ शेयर ज़रूर करना चाहती हूँ और मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है निदा, मैंने बहुत घरों में देखा है कि अगर बीवी से खाना अच्छा नहीं बना या कोई चीज़ कम हो गई या ऑफिस जाते हुए आप लंच नहीं दे पाए तो साहब जी का मूड बड़ा ख़राब हो जाता है, बच्चे बड़े सहम जाते हैं, बीवी बड़ी परेशान रहती है. बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माय हस्बैंड इज़ लाइक कि अगर एक जुमला कह दो कि जिया ये अभी नहीं हो पाया तो ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन कि दोबारा वो पूछेंगे भी नहीं. आप अगर इवन दाल चावल भी सामने रख दो और चटनी बना के साथ रख दो तो ही विल नॉट आस्क यू कि यार कोई गोश्त की चीज नहीं है. मतलब उन्हें पता है कि अगर आज नहीं बना है तो कोई वजह होगी. माशाल्लाह. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि शोहर का इस तरीके से हेल्पिंग होना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी एक नेमत है कि आप यहाँ से पीस ऑफ माइंड के साथ रहते हैं कि यार अगर कुछ कमी भी आप इसके अलावा कहीं भी जाते हैं तो वो इत्मीनान अपने साथ लेके जाते हैं ना, वो शोहर की जानिब से अगर आपको इत्मीनान. अच्छा, बच्चों में भी आते हैं, जब बच्चे देखते हैं ना कि हमारे जो फादर हैं वो मदर की इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और मदर जो है वो फादर की इतनी रिस्पेक्ट कर रही है तो बच्चे पेरेंट्स के साथ ना खेलते नहीं है. फिर उन्हें पता है कि पेरेंट्स एक ही ग्राउंड पे खड़े, वाह कि बहुत बड़ी तो बात वो की है, दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें वो मौका नहीं मिलता. और पेरेंट्स को वो ग्राउंड प्रोवाइड भी नहीं करना नहीं चाहिए, करना बच्चों चाहिए. बहुत सारी माएं होती हैं, करती हैं वो शौहरों के साथ ससुराल वालों की बुराइयां करती हैं. जी बिल्कुल. मैं यहाँ सबको कहना चाहती हूँ ये गलती मत करें. बच्चा आज आपके सामने अपनी फूफी को कोई बुरी बात कहेगा, कल वो आपको भी कहेगा, क्योंकि वो उसकी हैबिट बन रही है. बिल्कुल. तो बच्चे को कभी भी ये ग्राउंड ना दे, अगर कोई इख्तलाफ भी है तो उसको उसका कैरेक्टर खराब ना करें. तो बच्चे तो बड़े फास्ट लर्नर्स होते हैं, तो पेरेंट्स देख रहे हैं बिल्कुल एक होके रहें, ताकि बच्चा भी जो है ना वो उनकी इज्जत करे. क्योंकि लोग कहते हैं बच्चे गैर सियासी होते हैं, मैं कहती हूँ बच्चे बहुत बड़े सियासी होते हैं. उनको पता होता है कि कौन सी बात कहाँ से मनवानी है, कि अम्मा ने हाँ कर दी तो अब्बा मानी जाएंगे और इस पे अब्बा ने हाँ कर दी तो अम्मा मानी जाएंगे. तो दे आर वेरी क्लेवर. के वो परवीन शाकिर ने कहा था ना कि जुगनू को दिन में देखने की ये दिन में भी जो जुगनू को परखने की जिद करे, बच्चे हमारे चालाक होशियार हो गए. तो वाकई ये हाल है, तो बच्चे तो अपने ही हैं, तो उन्हीं को मैं हमेशा इस बात पर एम्फसाइज. आपने डिश नहीं बताई, आपकी स्पेशलिटी डिश. मेरी स्पेशलिटी अगर देखो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं तुम्हें बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो बनाती हूँ बहुत अच्छा बनाती हूँ. लेकिन ये भी सियासी जवाब है वैसे. जो पकाती हूँ वो बहुत अच्छा पकाती हूँ, बनाती हूँ. मगर मैं ये नहीं कह रही कि जिसको पकाती हूँ. तो जो बनाती हूँ बहुत अच्छा बनाती हूँ, जो पकाती हूँ बहुत अच्छा पकाती हूँ. मेरे ससुराल में मुझसे बकरीद में खासकर तला व गोश्त बनवाया जाता है, और उसमें हम चिकना गोश्त रिवाज वाला लेते हैं, जो मटन का भी बनता है, बीफ का भी बनता है, और उसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं होता. ठीक है. तो बस आप वो लेकर गोश्त लेके उसमें नमक डाल दें, लाल साबुत मिर्च डाल दें, थोड़ा सा लहसुन डाल दें और उसको बंद कर दें, जरा सा पानी डाल के, और बस फिर उसको भुनाई करके उसमें बिल्कुल भी. रोश इज डिफरेंट थिंग. रोश जो है वो एक बड़ा पीस होता है बेसिकली बीफ का, या अगर मटन का भी बनता है तो वो एक बड़ा पीस होता है जिसमें फुल पोटैटोज भी डलते हैं, और उसको वो उसमें भी बहुत बड़ा रवाज का टुकड़ा लगा होता है, और पानी डाल के उसमें धीमी आँच पे पकता है. वो बहुत देर पकता है. ये तो हम कुकर में बनाते हैं, लेकिन वाकई इसको ट्राई करो तले हुए गोश्त को, फिर लेमन, हरा धनिया, हरी मिर्चें, हरी मिर्चों की बहुत सादियाँ बातें कर रही थी, तो आप डालें तो वो वाकई ऐसी डिश है कि खुद भी छोटी सी प्यारी सी हरी मिर्च लग रही है आज. नहीं, आज यही सोची थी कि इसको आज ही कलर भी ऐसा पहन और हरी मिर्च का नाम दे दिया गया है सादिया को. मजाक, वैसे ये मजाक के लिए कहा है. तुम बहुत अच्छी बच्ची हो और हम सब तुमसे बहुत खाने में जो मजा है वो मिर्च, वो बिल्कुल बिल्कुल मिर्च नहीं है तो खाने में मजा. खाने में अच्छा. एक बात मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, नमक तो इंसान में भी होना चाहिए, अगर इंसान में नमक नहीं है. यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगी, अक्सर मुझे ब्रेक लेने दो, यहाँ मुझे ब्रेक लेने दो. हम एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं. आप ईद की खुशियाँ AIYQ TV पे अपने पसंदीदा सितारों के साथ बना रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम.